नटराज आसन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविज फिटनेस, आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने माइंड को फोकस रखना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज हो, बच्चों में कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कीजिए नटराज आसन। नटराज आसन बहुत ही बेनिफिशियल है आपके फोकसिंग के लिए। तो पहले हम शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से किया जाता है और इसकी क्या सावधानियां हैं, किसको नहीं करना है, वो हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पर सावधान, मतलब कि आप ताड़ासन स्थिति में खड़े हो जाइए। उसके बाद आपको अपना जो राइट लेग है उसको बेंड करना है अपनी नी से, या तो आप अपनी एंकल को पकड़ लीजिए या फिर अंगूठे को, जो आपको कंफर्टेबल हो, जहां तक आपका हाथ जाए आपको उस स्थिति में रहना है। आपके जो हिप है वो बाहर की ओर, मतलब आगे की ओर, और स्टमक अंदर की ओर होना चाहिए। हर पोस्चर में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको अपना लेग पीछे की ओर इस तरह से ऊपर की ओर ले जाते हुए एक हाईली पॉइंट पर छोड़ देना है, मतलब जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना। और आपको अपना जो लेफ्ट हैंड है, दूसरे वाला हाथ है, उसको सामने की ओर, या तो आप मुद्रा में कर सकते हैं, हाथ हथेली ऊपर की ओर या नीचे की ओर। ये आपका फाइनल पोस्चर, और फिर धीरे से नीचे आपको आना है। इसमें सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस पोस्चर है, इसमें बैलेंसिंग की काफी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। आप दूसरे आसन कीजिए सबसे पहले इस बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तब जाकर आप ये नटराज आसन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंजरी है, जैसा कि नी में, लेग में, आपको हैंड्स में, शोल्डर, आपके नेक में कोई इंजरी है, तो ये आसन आपको अवॉइड करना है। ये आसन आपके आर्म्स को टोन करता है, जब आप स्ट्रेच करते हैं पीछे, शोल्डर आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, लो बैक साइटिका पेन, लो बैक पेन को रिमूव करता है, और ये वेट लॉस भी करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। जब आप पूरा स्ट्रेच कर देते हैं अपने लेग को ऊपर, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है, ये मेटाबॉलिज्म करके आपका वेट लॉस करता है। नेक की कोई मूवमेंट आपको पेन हो रहा है, हल्का फुल्का पेन, उसको रिमूव करता है। कंसंट्रेशन बढ़ाता है, क्योंकि एक बैलेंसिंग पोज है, जब आप बैलेंस करते हैं तो आपका ध्यान सामने एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। बच्चों को ये आसन जरूर करना चाहिए। इस आसन से आपके जो लंग्स हैं काफ़ी एक्सपेंड होते हैं बाहर की तरफ, गर्दन ऊपर होती है, लंग्स एक्सपेंड होते हैं, तो ये आपके अस्थमेटिक प्रॉब्लम को भी काफ़ी ठीक करता है। थाइज, हिप्स को टोन करता है, स्टमक को टोन करता है, और आपके जो आर्म्स हैं उनमें काफ़ी मजबूत, मतलब आपके कंधे और शोल्डर्स जो आर्म्स हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, और लोअर बॉडी भी काफ़ी मजबूत रहती है। इस आसन को आप डेली बेसिस पर कीजिए। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, प्रॉब्लम है करने में, और कुछ भी लगता है बैलेंस नहीं बन पा रहे, तो सबसे पहले किसी वॉल का या चेयर का, किसी भी चीज़ का सहारा लेते हुए इस नटराज आसन को कीजिए, तभी आप इस आसन को इम्प्रूव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।